हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। सो मेरे भाई लोग, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप लोग बेखूबी से समझ ही चुके कि आज के ट्यूटोरियल कितने ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले। जी हाँ दोस्तों, आज मैं ला दिया हूँ कॉस्मिक वाइट के ब्रांड के वारंटी क्लेम पार्ट 3। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले मैंने इस वाले ट्यूटोरियल को लाया था जहां पर मैंने आप लोग को ये दिखाया था ए टू जेड प्रोसेस में फुल गाइड के तहत कि आप लोग कॉस्मिक वाइट ब्रांड के अगर कोई भी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो तो उसका अंडर वारंटी में अगर कोई भी प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो उसका वारंटी क्लेम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है सारा कुछ। उसके बाद आप लोगों की डिमांड पड़ी, मैं पार्ट 2 को ला दिया था कि वारंटी क्लेम करने के बाद जब कस्टमर केयर से हम लोग को मेल पे रिप्लाई आता है तो उसके बाद हम लोग को कैसा कुछ प्रोडक्ट भेजना है, कैसे करना है। तो इस वाले ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर आपके लोकेशन में उन लोगों का कुरियर सर्विस मौजूद है तो खुद आके ले जाएगा, डोर स्टेप में ड्रॉप कर देगा आपका प्रोडक्ट रिप्लेस या रिपेयर होके, ठीक है। अगर आपके लोकेशन पे इन लोगों का लोकल कुरियर सर्विस अवेलेबल नहीं है तो मेरे भाई लोग, आप लोग को खुद से ये भेजना पड़ेगा और उसका जो पैसा है मैक्सिमम 150 रुपीज तक रिफंड कर देगा कॉस्मिक बाइट ने, तो ये मेल में कहा था। तो आई होप कि लकी मैं हूं क्योंकि मेरा एक छोटा सा शहर है जिस शहर में कॉस्मिक बाइट कल जो है मेरा प्रोडक्ट आके ले गया है, ठीक है। लेकिन इसका बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन है, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे ऐसा कमेंट्स किए कि जीत भाई प्लीज इसके ऊपर कंप्लीटली ट्यूटोरियल बनाओ क्योंकि अभी ये खत्म नहीं हुआ है। वारंटी क्लेम आपने तो सिखा दिया, उसके बाद जो है कैसे प्रोडक्ट भेजना है वो भी सिखा दिए, उसके बाद जो रिप्लाई आता है तो प्रॉपरली तरीके से क्या कुछ कर रहे हैं वो सिखा दीजिए। तो आज है कॉस्मिक बाइट ब्रांड के वारंटी क्लेम पार्ट 3। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो उन लोगों का रूल्स है, जो लोकल कुरियर आके आपके पास से प्रोडक्ट ले जाएगा उसके बाद हम लोग को क्या कुछ करना है, तो मैं ये दिखाऊंगा। और पार्ट 4 या पार्ट 5 भी आने वाला है क्योंकि पार्ट 4 में वहां से क्या रिप्लाई आता है, और पार्ट 4 या 5 और एक से दो ट्यूटोरियल लाऊंगा क्योंकि आप लोगों ने डिमांड किया है कंप्लीटली आप लोग दिखाओ। तो ये कॉस्मिक बाइट ब्रांड के जो वारंटी क्लेम वाला प्रोसेस है ना, ये फुल कोर्स के तहत आप लोगों को सिखाया जाता है। तो मेरे भाई लोग, और एक या दो ट्यूटोरियल लाऊंगा जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुझे वहां से नया प्रोडक्ट मिला या उस प्रोडक्ट को ही रिपेयर करके भेज दिया, सारा कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर नया प्रोडक्ट मिला तो उसको अनबॉक्सिंग भी दिखाऊंगा। तो चलिए आज के इस ट्यूटोरियल में देख लेते हैं कि पार्ट 3 में आप लोगों को क्या कुछ करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत, आप सभी का दोस्त, और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका और हमारा अपना चल जीत भाई ऑफिशियल पर। सो साइड में मेरा मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड आ चुका है, लेट्स गेट स्टार्ट। मेरे भाई हम आगे हमारे मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्ड पर, आप लोग देख ही सकते हो। सबसे पहले मैं जीमेल में जाता हूं जहां से उन लोगों से वार्तालाप हो रहे हैं मेरा। तो मेरे भाई लोग, ये आप लोग देख सकते हो जो फाइनल मैसेज आया है कॉस्मिक बाइट तरफ से, हाय ये जीत है, ठीक है। यहां पर टिकट आईडी है, पिकअप डेट, कुछ कुछ चीजें मैं हाइड कर दूंगा, ये मेरे प्राइवेसी के अकॉर्डिंग होगा। पिकअप डेट 19 जून ऑफ 2024, जो कल था, हो गया पिकअप। कुरियर नेम है, डिलीवरी कुरियर के थ्रू किया था। वी हैव अरेंज्ड, क्योंकि मैं उस वाले इसके पहले ट्यूटोरियल में दिखा दिया कि आप लोगों को खुद से ही पिकअप अरेंज कैसे करना है, तो वो लोग जज करेगा कि आपके पिन कोड के आधार पर जो लोकेशन है वहां पर उन लोगों का कुरियर सर्विस मौजूद है कि नहीं, ठीक है। तो मेरा मौजूद था इसलिए मुझे ये भेज दिया कि उन लोगों से डोर स्टेप वाला पिकअप हो गया है, ठीक है। तो यहां पर लिखा है प्लीज फाइंड द बिलो रिवर्स पिकअप, तो ये तो बाद में होगा, ठीक है। यहां पर ट्रैकिंग आईडी दे दिया है, ये बाद में है, ये मैं अगले ट्यूटोरियल में बता दूंगा, ठीक है। जो टर्म्स है, क्या टर्म्स है, देखो, पैक द प्रोडक्ट इन ए कार्डबोर्ड बॉक्स ओरिजिनल कार्टून, ठीक है, इन व्हिच द प्रोडक्ट वाज शिप्ड टू यू, ठीक है। जो पैकेज में आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न या ऑफलाइन हो, कुछ भी हो, जो पैकेज में आपका प्रोडक्ट मिला था, ऑफलाइन में तो सिर्फ पैकेज मिलेगा, ठीक है, तो आपको खुद से पैकेज तैयार करना पड़ेगा, या जो पैकेज में जैसे अमेज़न फ्लिपकार्ट से आप लोग बाय किए तो उस अकॉर्डिंग जो पैकेज ओरिजिनल यानी फ्लिपकार्ट अमेज़न का आउटर बॉक्स पैकेज की बात कर रहा हूं जो दिया था, उसी बॉक्स में आपका इनर जो पैकेज है, प्रोडक्ट का जो पैकेज है, उसको डाल के आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। कोई कोई लोग ये कहेगा कि जीत भाई हम लोग के पास इतना दिन हो गया तो कैसे होगा, कहां होगा, गुम हो गया, तो भाई खुद से जुगाड़ कर लो, हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक अच्छा सा कार्डबोर्ड सा पैकेज में पैकेजिंग बॉक्स शुड बी ऑफ द प्रोडक्ट साइज एंड नॉट बिगर देन द प्रोडक्ट, ठीक है। तो पैकेजिंग जो साइज है, जो आपका प्रोडक्ट का बॉक्स का साइज है, उसके अकॉर्डिंग उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी बहुत बड़ा मत भेजिएगा, लेकिन मैंने मीडियम भेज दिया क्योंकि प्रोडक्ट की सेफ्टी का बात है, ठीक है। आप सेफ्टी करके प्रोडक्ट को पैकेजिंग कीजिए। यहाँ पर देखिए, मेक श्योर दैट द प्रोडक्ट इज पैक्ड प्रॉपरली विद कैशन और न्यूज़पेपर टू अवॉइड ट्रांसिट डैमेज, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला कि न्यूज़पेपर पतला उतला कोई पेपर के साथ या टिश्यू पेपर के साथ प्रोडक्ट अगर पैकेज करके भेज दिया, अगर ट्रांसिट में डैमेज हो जाता है, कॉस्मिक बाइट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन केस ऑफ मिसलीडिंग ऑफ शिपमेंट एंड प्रोडक्ट विल बी कंसीडर्ड एज आउट ऑफ वारंटी, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपका प्रोडक्ट ट्रांसिट में डैमेज हो जाता है क्योंकि आपने अच्छा प्रोडक्ट नहीं किया, यानी थोड़ा सा पेपर न्यूज़पेपर में या टिश्यू पेपर में मुड़ा के, पतला पुतला दुबला सा मुड़ा के दे दिए, तो अगर आपका प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है तो इसके जिम्मेदार कॉस्मिक बाइट नहीं रहेगा, साफ साफ कह दिया। और अगर टूट फूट जाता है ट्रांसिट में प्रोडक्ट, तो भाई कॉस्मिक बाइट तो अंडर वारंटी में आपका प्रोडक्ट नहीं पड़ता है या आपको वारंटी नहीं मिल सकता, ये बोलकर आपका प्रोडक्ट आपको वापस भेज देगा, ठीक है। ये कॉस्मिक बाइट जिम्मेदार नहीं रहेगा, तो इसीलिए कार्डबोर्ड में अच्छे से पैकेज करके सेलोटेप लगा के भेजो, ठीक है।
टेक द नेम ऑफ कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ द पिकअप पर्सन एंड शेयर विद आस ऑन ईमेल, ठीक है। जिसको आप अपना प्रोडक्ट डिलीवर करोगे जैसे कुरियर बॉय को, तो कुरियर बॉय का नाम, कुरियर बॉय का नंबर, फोन नंबर, जो फोन नंबर से कुरियर बॉय से वो लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो प्रोडक्ट हैंड ओवर किए तो उसका सारा प्रूफ के साथ यहाँ पर लिखा है कि कुरियर बॉय का नाम, नंबर, ईमेल, ये सब कुछ दोगे तो चलेगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ जो प्रोडक्ट आपने हैंड ओवर किए है उसको सही तरीके से वीडियोग्राफी करके या फोटो खींच के प्रूफ के तहत इन लोगों को ईमेल पे भेज देना है, ठीक है। कॉस्मिक बाइट विल नॉट बी लियेबल इन केस ऑफ मिसप्लेस लॉस्ट प्रोडक्ट इन ट्रांसिट विदाउट हैंड ओवर प्रूफ, ठीक है। अगर आपने हैंड ओवर प्रूफ नहीं दिया, जैसे मान के चलो आपने फोटो खींच दिया तो देना भूल गई या कुछ भी हो, हैंड ओवर प्रूफ नहीं दिया, अगर आपके प्रोडक्ट रास्ते में खो जाता है या कहीं दूसरे प्लेस में चले जाता है, आपका प्रोडक्ट चोरी हो जाता है या कुछ भी हो जाए, तो इसके जिम्मेदार कॉस्मिक बाइट नहीं रहेगा। तो प्रूफ के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट को देना पड़ेगा। ऑल्सो हैंड ओवर ए कॉपी ऑफ द प्रोडक्ट टैक्स इनवॉइस अलोंग विद द पार्सल टू द पिकअप पर्सन इफ रिक्वेस्टेड। तो आप प्रोडक्ट का जो बिल है या जो कुछ भी इनवॉइस है वो कुरियर बॉय को देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने देना चाहा तो कुरियर बॉय मना कर दिया, पता नहीं क्योंकि उन लोगों के पास पहले से ही हो जाता है, फिर भी मैंने एक पेपर में लिख के दे दिया है प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। ओपन द पैकेज फ्रॉम वन साइड टू शो द प्रोडक्ट इफ आस्क बाय द पिकअप पर्सन सील इट अगेन बिफोर हैंड ओवर, ठीक है। कुरियर बॉय को आप खोल के दिखा दीजिएगा क्योंकि कुरियर बॉय खुद से ही खोल लेगा, अगर जल्दबाजी में रहता है तो ना खोले तो आपको कहना पड़ेगा भाई खोल लो, प्रोडक्ट को देख लो, उसके बाद आप सेटिस्फाइड हो मुझे सेटिस्फाइड करो, उसके बाद प्रोडक्ट आप ले जाओ, ठीक है। उसके बाद सील एंड अगेन बिफोर हैंड ओवर, उसके बाद सील करेगा कुरियर बॉय आपके बॉक्स को, सील करेगा यानी सेलो टेप से चिपकाएगा, उसके बाद ही आप अपने प्रोडक्ट को कुरियर बॉय को हैंड ओवर सक्सेसफुली करोगे। नहीं तो सिर्फ प्रोडक्ट खोल लिया, बॉक्स को लगा दिया, ऐसे ही कर दिया और दे दिए, ऐसे नहीं चलेगा, प्रॉपर्ली तरीके से देना है। काले नो द प्रोडक्ट इज प्रॉपर्ली पैक, ये ब्ला ब्ला कुछ है, तो इसके रिगार्डिंग तो ये सारा कुछ जो है टर्म्स को फॉलो करते हुए मैंने मेरा प्रोडक्ट को जो है हैंड ओवर किया। तो चलिए आप लोग प्लीज इस वाले डेमो को आप लोग देख लीजिए कैसे प्रोडक्ट को जो है हैंड ओवर करना पड़ेगा अपने कुरियर पर्सन को। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं आ गया मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर, ठीक है। सबसे पहले तो आप उस वाले मेल को खोल लीजिएगा और यहाँ पर दिखा दीजिएगा जहाँ पर ये मैसेज आया है, और ठीक है उसके बाद जो है रिप्ले, रिप्ले वाले इस ऑप्शन में आओ। रिप्ले वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर देखो उस तीन नंबर रूल्स को फॉलो करना होगा, ठीक है। रिप्ले वाले ऑप्शन में आओ, यहाँ पर जो वीडियो, जो ये दो वीडियो आप लोगों ने देखा मैंने इसको जो है अपलोड कर दिया प्रॉपरली तरीके से। उसके बाद ऊपर में लिख दिया कॉस्मिक बाय कॉस्मो बर्ड्स X200 प्रोडक्ट हैंड ओवर कुरियर पर्सन, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया अच्छे से डिटेल में, उसके बाद कुरियर बॉय नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर, तो यहाँ पर मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया, ठीक है। लेकिन भाई आप लोगों को एक बात करूंगा, जैसे आप लोगों ने बड़े वीडियो शूट किए हो ना तो ये गूगल ड्राइव में अपलोड होकर उन लोगों के पास लिंक को शेयर होगा, जैसे मैंने पार्ट वन में दिखाया था, ठीक है। तो इसको जो है देखिए ये तो मेरा मेल है, मेरा मेल में खुलेगा जो मेल मैंने अपलोड किया, तो वो लोग अगर इसको देखना चाहे तो ये देखो यू नीड एक्सेस, एक्सेस परमिशन मांगेगा, तो ऐसे इस तरीके से मत भेजो क्योंकि ईमेल का मामला है, वो रिक्वेस्ट भेजेगा आपको, आप कब तक एक्सेप्ट करते हो तब तक वो लोग बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे और उससे ज्यादा आप पढ़ोगे क्योंकि आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आप अपने सबसे पहले गूगल ड्राइव में जाओ, गूगल ड्राइव में जाके ये जो वीडियो है ना यहाँ पर राइट क्लिक करो, वीडियो के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद फाइल इन्फॉर्मेशन में जाओ, डिटेल में जाओ, डिटेल में जाने के बाद यहाँ पर देखे लोडिंग लिया, मैनेज टू एक्सेस यहाँ पर आओ, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखो रेस्ट्रिक्ट, यहाँ पर देखो एनीवन कर दो, उसके बाद डन कर दो, इस तरीके से दूसरा वीडियो को भी कर दो, और उसके बाद जो है आप लोग सेंड कर दीजिए, सक्सेसफुली सेंड हो गया। अब देखो कोई भी इसको जो है
खोल सकता है। तो इसी के साथ आज के इस ट्यूटोरियल जो है खत्म करता हूं। तो इस तरीके से आप लोगों को सक्सेसफुली भेजना है और सारा कुछ डिटेल उन लोगों को सेंड करना है, यानी कॉस्मिक बाइट के एजेंट को, जो एजेंट आपका केस जो है संभाल रहा है, ठीक है। तो आई की इस ट्यूटोरियल से आप लोगों का काफी ज्यादा मदद मिला। वीडियो को अगर थोड़ा बहुत पसंद आए तो प्लीज मेरे भाई वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को नीचे कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को झाड़ फाड़ के अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को शेयर कीजिए, ताकि आपके भाई का मेहनत बेकार ना जाए। मेरे मेहनत का फल यही है कि मेरे इस वीडियो को आप लोग एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को नीचे अच्छा सा पॉजिटिव सा कमेंट्स कीजिए और जितना हो सके उतना दबा के शेयर कीजिए। टू सपोर्ट मी गाइस, आप अगर इस चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे भाई चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल वाले घंटे देख रहे उसको भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इस सन से जुड़ी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे एडवांस मिलते रहे। तो फिर मिलते कल और एक 2000 कॉन्टेंट लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।